असंध में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन गोल्डन लेबोरेटरी के द्वारा किया गया। गोल्डन लेबोरेटरी की ओर से 264वां निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन HKCL ग्रुप सेंटर में किया गया, जिसमें 64 से भी ज्यादा मरीजों का ब्लड चेकअप किया गया। गोल्डन लेबोरेटरी के संचालक दिलबाग मून ने कहा कि पिछले 3 सालों से निशुल्क मरीजों का चेकअप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पैसे के अभाव में टेस्ट तक नहीं करवा पाते, लेकिन गोल्डन लैब की ओर से समय समय पर निशुल्क जांच शिविरों का आयोजन किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इन जांच शिविरों में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जाता है, ताकि लोग बीमारियों से बच सके। आज KCL ग्रुप में इंस्टीट्यूट में 264वां फ्री शिविर लगाया गया, जिसमें हमने कुल 64 मरीजों की के टेस्ट किए, जिसमें 6 को HCV पॉजिटिव आया और 3 रोगियों को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया। अभी तक हम हजारों लोगों के टेस्ट फ्री में कर चुके हैं और ये आज हमारा 264वां फ्री चेकअप कम था, जिसमें हम गरीब बच्चे जो कि पैसे के भाव में टेस्ट नहीं करवाने पाते, तो इसी के लिए हमने ये अपना हर शनिवार को हम फ्री चेकअप कैंप लगाते हैं और अब तक 264 कैंप लगा चुके हैं। और इसी के माध्यम से जो गरीब आदमी है उनको अच्छी सी सहयोग हो जाता है, पैसे के भाव में कुछ अपने टेस्टों के बारे में नहीं जान पाते तो उनको हम जागरूक करते रहते हैं हेपेटाइटिस बी सी के बारे में। ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है, स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे पता नहीं लगता, बाद में ये विकार रूप धारण कर लेती है और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वहीं समाज सेवी अत्तर सिंह ने बताया कि निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में हेपेटाइटिस बी और HCV के मरीजों की भी जांच की जाती है। आज जिन 64 लोगों का ब्लड टेस्ट किया गया, उनमें से 6 मरीज HCV पॉजिटिव तो वहीं 2 मरीज HBV पॉजिटिव पाए गए। हेपेटाइटिस बी सी का फ्री चेकअप कैंप लगाया KFC ग्रुप के माध्यम से, तो वहाँ 64 मरीजों के ब्लड टेस्ट किया गया, उनमें से 6 पॉजिटिव आए और 2 हेपेटाइटिस बी के पॉजिटिव आए हैं। तो उनको अवेयरनेस दी गई कि सवेरे पे जांच करवानी चाहिए ब्लड की, और इससे अंदर जो लीवर की एक घातक बीमारी है तो पता लगते ही इसका ट्रीटमेंट हो जाए संभव है, नहीं अन्यथा बाद में तो लीवर ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ता है। सत्य खबर के लिए असंध से रोहताश की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।